तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जब हम अपने घर की सेफ्टी के लिए रूफ इंस्टॉल करवाते हैं, टीन सेट का काम करवाते हैं, तो हमें साल में एक बार जरूर अपनी प्रोफाइल शीट और शेड को चेक कराना चाहिए, यानी मेंटेनेंस कराना चाहिए। तो मेंटेनेंस करवाने के लिए हमें किन किन निम्न बातों का ध्यान रखना है, ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो हमारी जितनी भी एक्सेसरीज है पूरी मैं फुल डिटेल आपको जानकारी दूंगा, और सीट के ऊपर स्क्रू कैसे लगाने हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमन, मैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के नादौन शहर का रहने वाला हूँ। और अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो ले चलते हैं आपको और बताता हूं मैं, बरसात के दिनों से पहले आपने अपने रूफ सेट की साल में एक बार जरूर मेंटेनेंस करानी है, जिससे आपकी रूफ जो है वो सालों साल बेमिसाल चले और सुंदर रहे, ताकि उस रूप में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके लीकेज की समस्या ना हो, और आपके जितने भी स्क्रू एक्सेसरीज लगे हुए हैं उनमें कोई परेशानी ना हो। तो आपको मैं क्रमवार बताता चलता हूँ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है जो हमारे रूफ सेट के ऊपर टॉप पे जो रिज लगा होता है, इसकी ऊपर जितने भी हमारे स्क्रू लगे होते हैं उनको चेक करना है, कहीं वो डीले ना हो गए हों या टूट ना गए हों। अगर डिले हो गए हों तो उन्हें हम लोगों ने चेंज करना है। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्क्रू जो है वो निकल गए हैं शीट से। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रू देख सकते हैं आप लोग निकल गए हैं, और यहाँ पे जो है वो रिज हमारा बिल्कुल ढीला हो गया है। तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसे टाइमली रिपेयर नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा तूफान की वजह से ये उड़ जाएगा या पानी की लीकेज की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस बाग को रिज बोला जाता है, क्योंकि ये दो सीटों के मिलान के गैप को कवर करता है। जैसे हमारी एक सीट इस साइड से आ रही है, एक सीट इस साइड से आ रही है, ये दोनों सीटों के बीच का जो गैप है उस चीज को कवर करने के लिए टॉप पे जो लगाया जाता है इसे रिज बोला जाता है। तो रिज का हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक करना है, ताकि रिज के ऊपर जितने भी स्क्रू लगे हैं वो लूज ना हो या डिले ना हो गए हो या टूट ना गए हो, तो उनको हमने सही तरीके से मेंटेनेंस करनी है। तो दोस्तों अभी आपको ले चलता हूं मैं बैली की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैली इंस्टॉल की गई है। तो इस बैली में हमारे किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा मिट्टी इत्यादि जमा नहीं होने चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ को आप, यहाँ पे बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ है, तो ये पानी की निकासी के लिए रुकावट बन सकती है। तो आपने ध्यान देना है, इसकी जो मेंटेनेंस करवानी है तो पूरी अच्छी तरह से इसकी आपने टाइमली सफाई भी करवानी है। जो भी फैब्रिकेटर आपके घर के ऊपर काम करने आएगा, चेकिंग करने आएगा, तो उसको बोलना है कि पूरे तरीके से आपने हमारी रूफ की मेंटेनेंस करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे बैली में स्क्रू लगाए गए हैं, तो ये स्क्रू भी कुछ बाहर की तरफ को निकल गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और कुछ स्क्रू ऐसे हैं जिनको क्रोजन लग गया है, और यहाँ पे देखिए ये बैली का लैप दिया गया है, बट ये सही तरीके से नहीं लगा है, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक और कमी है आपको मैं बताता हूँ, ये बैली का जो गैप रखा गया है वो कम से कम इतना होना चाहिए था, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे दिया है, कई जगह से इसको ज्यादा कर दिया है, कई जगह से इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तो ये भी ध्यान देना है आपका। दोस्तों ये आपके घर की सुंदरता को बिगाड़ देता है, और ये एक सेंड में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मार्किंग सीट की कटिंग जो होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और दोस्तों एक और कमी बताता हूं मैं आपको, अपना भी ध्यान रखना है, अगर आप लोग अपने घर के ऊपर प्रोफाइल सीट इंस्टॉल करवाते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही जरूरी जानकारी, ये देखिए सीट कैसे उठ रही है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप लोग, क्या कारण है इसको उठने का। दोस्तों यहाँ पे स्क्रू जो है वो बहुत ही कम लगाए हैं, एक स्क्रू यहाँ पे लगाया और एक दूसरे जॉइंट पे लगाया है, सेंटर में कोई स्क्रू नहीं दिया है, तो कमी यहीं पे आती है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रू लगाना था, यहाँ पे स्क्रू लगाना था, इससे हमारी सीट की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ जानी थी। तो दोस्तों हवा के प्रेशर से हमारी जो प्रोफाइल सीट है वो उड़ेगी नहीं। अगर हम लोग
सही तरीके से इसकी फिटिंग करते हैं तो हमारी प्रोफाइल सीट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ये सीट जो है वो उठ जा रही है, तो आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। जो भी यहाँ पे सीट के ऊपर प्रोफाइल सीट के ऊपर जितनी जरूरत है उतने स्क्रू लगाने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल सीट जो है वो अच्छी फिटिंग रहे। और मेन बात ये होती है दोस्तों, जैसे सीट का ज्वाइंट आता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्क्रू लगने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सही काम किया हुआ है बट यहाँ पे सीट आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगाए गए हैं सभी को क्रोजन लग गया है, देख सकते हैं आप लोग क्रोजन की वजह से ये टूटने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रू को क्रोजन लग गया है इनको, और स्क्रू जो है यहाँ पे लगने चाहिए नाली में, यहाँ पे नहीं लगने चाहिए प्लेन जगह में। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो लीकेज की समस्या जल्दी ही उत्पन्न हो जाएगी, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ये रिज होता है टॉप का, टॉप में जो लगाया गया है ये दो सीटों के मिलान के गैप को कवर करने के लिए लगाया जाता है, और ये बैली होती है। जैसे ही दो सीटें आपस में मिल रही हैं तो नीचे की गहराई में जो गैप आ रहा है उसको कवर करने के लिए बैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी लंबाई होती है 10 फीट, इसकी चौड़ाई होती है 2 फीट, तो रिज की भी सेम ही लंबाई और चौड़ाई होती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं अभी हमारे फैब्रिकेटर जो हैं वो गटर रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि इस गटर में प्रॉब्लम आ गई थी लीकेज की, तो लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे पहले इसकी सफाई की जाएगी, बाद में इसमें सिलिकॉन भरा जाएगा ताकि जो लीकेज की समस्या आ रही है उसके छुटकारा पा जा सके। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी कमियाँ होती हैं जो हम फैब्रिकेटर को ही पता होता है और जो घर के मालिक होते हैं उनको कोई पता नहीं होता है। उन्होंने अपने घर के ऊपर लगी हुई रूफ की साल में एक बार जरूर मेंटेनेंस करवानी है ताकि आपकी जो रूफ है वो सालों साल बेमिसाल चले। तो दोस्तों तो देख सकते हैं अभी मैं आपको और चीज दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतनी सारी सीट्स इंस्टॉल की गई हैं तो इसके ऊपर बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ है, तो इसको साफ करने के लिए आपको नरम ब्रश और साफ पानी की जरूरत पड़ेगी। इसे साफ जो करना है तो आपने फावड़े वाली किसी चीज से साफ नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो सीट है उसको नुकसान हो जाएगा। ये देखिए अगर हम इसे ढंग से साफ करेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल सीट है वो अंदर से बिल्कुल साफ निकलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो स्क्रू लगाए गए हैं इनको क्रोजन लग गया है, तो क्रोजन लगने की वजह से ये टूट जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं अभी आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। यहां पे भी देख सकते हैं आप लोग यहां पे किस तरह से ये रिज का जो बैंड दिया गया है बहुत ही गंदा, जो आपके घर की ऊपर लगी हुई रूप की शोभा को खराब कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों नीचे की तरफ को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सामने को देख सकते हैं सीट जो है वो उठ गई है यहाँ से क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्क्रू नहीं लगाए हैं, और ये गटर जो है गटर में भी बहुत सारा कचरा मिट्टी और पानी फंसा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगे हैं तो ये भी रिपेयर करने बहुत जरूरी है, और सीट की हालत देख सकते हैं आप लोग कितनी बुरी हो गई है। तो दोस्तों साल में एक बार जरूर आप अपने घर के ऊपर लगी हुई रूप की मेंटेनेंस करवाएं, कोई खर्चा नहीं आता है। फैब्रिकेटर को आप 1000-1500 रुपए दे देंगे तो आपके घर की जो रिपेयरिंग है वो साल में एक बार जरूर कर देगा। ये देखिए क्या कारण है, तो यहाँ पे भी ऐसी ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे फैब्रिकेटर ने बहुत ही कम स्क्रू लगाए हैं जिस वजह से यहाँ पे जो सीट लगाई गई है वो उठ रही है। तो जो ऑनर है यहाँ के उन्होंने तो पूरे पैसे दिए हैं काम करने के, और मटेरियल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट जो फैब्रिकेटर होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान कर देते हैं, तो उन फैब्रिकेटरों को पहले ही आप लोगों ने बता देना है कि हमारे घर के ऊपर जो प्रोफाइल सीट आप लोग लगा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छी कंपनी के स्क्रू लगने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें किसकी गलती है। ये देखिए कितनी ज्यादा कमी है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सिलिकॉन भरा जा रहा है यहाँ पे, तो सिलिकॉन ट्यूब लगाई जाएगी अच्छे तरीके से और जितने भी लीकेज की समस्या है उससे छुटकारा पाया जाएगा। तो हम आपको अभी ले चलेंगे दूसरी साइड पे। और दोस्तों यहाँ पे एक ही कमी सबसे ज्यादा लगी मेरे को कि यहाँ पे जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लगाए हैं, और ये देखिए इस सीट के बीच में कोई भी स्क्रू नहीं लगाया, तो गलत बात है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है। आपने
फैब्रिकेटर को स्पेशली ही बोल देना है कि हमारे घर के ऊपर जो रूफ है उसकी सही तरीके से फिटिंग करें। और यहाँ पे टॉपरीज जो लगाया गया है इसको भी देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये फिक्स किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो स्क्रू हैं वो टूट गए हैं, तो हमारे यहाँ पे फैब्रिकेटर जो है वो स्क्रू लगा रहे हैं एक्स्ट्रा से, दिख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारे जो फैब्रिकेटर हैं वो स्क्रू जो है वो लगा रहे हैं नालियों में, नीचे की जो नालियाँ होती हैं उनमें प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों कहाँ से आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो रूफ है वो सालों साल अच्छी लगे दिखे, तो इसके लिए आपको साल में एक बार ज़रूर अपने घर के ऊपर लगी हुई रूफ की मेंटेनेंस करवानी है, रिपेयरिंग करवानी है। और जितने भी यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है, नट लगे हैं, स्क्रू लगे हैं, उन सभी को अच्छे से टाइट कर देना है, फिक्स कर देना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाद में नुकसान वाली बात ना हो। तो सबसे मेन बात आती है यहाँ पे ये टॉप पे जो रिज लगाया गया है इसकी एक्सेसरीज को चेक करना। और अगर आपके घर के साथ जो रूफ सेट लगी हुई है उसके ऊपर पेड़ की टहनी आ रही है तो उनको भी आपने हटा देना है, ताकि आपके रूफ सीट को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आए थे आज रिपेयरिंग करने, तो रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बुरी हालत कर दी थी यहाँ पे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो भाई प्रोफाइल सीट इंस्टॉल करवा चुके हैं और उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अब, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखने के लिए। तो इससे आप लोगों को जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों ने मेंटेनेंस जो करवानी है तो किन किन निम्न बातों का ध्यान रखना है आपने। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिखाई गई इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसी और वीडियोस देखें जिससे आपका फ़ायदा हो, तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में।